घर के दिन तेरे हवाले। हेलो, हाय, सारिम बोल रहा हूँ। इतनी रात को खैरियत? बड़ी बेमुरव्वत निकली यार, तो तुम्हारी शादी है और तुमने इनवाइट तक नहीं किया। फारिस ने इनवाइट नहीं किया? बिल्कुल भी नहीं, उसने तो बताया तक नहीं मुझे। आज वो जिम नहीं आया तो मैंने दोस्तों से पूछा तो दोस्तों ने बताया कि कल उसकी शादी है। वो एक्चुअली बहुत जल्दी में सब कुछ हुआ है तो इसलिए शायद भूल गया होगा। और तुम भी भूल गया? मैंने तो सोचा था अब हम अच्छे दोस्त बन चुके। कहा ना, सब कुछ बहुत जल्दी में हुआ है, बस दैट्स व्हाई वरना जरूर इनवाइट करती। मुझे इनवाइट कर लेती तो मैं जरूर आता। फारिस को तुम्हारे दूल्हे के रूप में देखने का बड़ा शौक है मुझे। अगर ऐसी बात है तो व्हाट्सएप चेक करो, कार्ड भेज रही हूँ। ओके, थैंक यू, बाय। बाय। कहाँ है? बाबा, आप खुद क्यों आ गए? मुझे बता देती, मैं आ जाता। हाँ, ताकि तुम्हारा कमरा इसी तरह सिगरेट के धुएं और स्मेल में डूबा रहता। सॉरी। ये तो मुझे पता था कि तुम स्मोक करते हो, लेकिन इतना जुल्म करते हो अपने साथ, इसका मुझे अंदाजा नहीं था। रोमी बता रहा था कि तुम पूरी पूरी रात जागते हो। रोमी ने आपको ये नहीं बताया कि वो खुद भी पूरी पूरी रात जागता रहता है? मजाक में बात मत डालो। तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रही कि रूमी और मुझे तुम्हारी जरूरत है? था तो मैं हूं ना यहाँ आपके पास, आपके साथ आ तो गया हूँ, और क्या चाहते हैं आप? नहीं हो, सिगरेट के धुएं में डूबे हुए हो और अपनी उदासियों में खोए हुए हो। बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम हंसते गाते लोगों की तरह जियो। हाँ, वक्त है मेरा मरहम, ठीक हो जाऊंगा। जख्म को भरने के लिए मरहम भी चाहिए होता है। हाँ, तो आप और आपकी मोहब्बत है ना मेरे पास मरहम के तौर पे। कब तक? क्या मैं सारी जिंदगी साथ रहूंगी? खैर, मैं तुमसे ये कहने आई थी कि तुम मुझे साफ साफ बता दो तुमने क्या फैसला किया है, ताकि मैं लिशबा की माँ को फोन करूं और इनकार कर दूं। सानिया कह रही थी वो लोग हमसे बहुत आस लगाए बैठे हैं। मामा, ऐसी क्या जल्दी है उन्हें और क्या मजबूरी है उनकी? तुम नहीं समझोगे, लड़की वालों की 10 मजबूरियां होती हैं। मामा, मामा, मैं उस लड़की को जानता तक नहीं हूं पर्सनली, मैंने उसे ठीक से देखा भी नहीं है। उसके साथ जिंदगी गुजारने का इतना बड़ा फैसला मैं कैसे कर लूं? देखा तो था तुमने, हम उनके घर गए थे, वो मिली थी। लेकिन आपने मुझे नहीं बताया था कि हम वहां किस मकसद से जा रहे हैं। मैंने उसे नहीं देखा था। थोड़ा सा तो देखा होगा, बहुत अच्छी लड़की है वो। मामा, अगर आपको लगता है कि वो इतनी अच्छी लड़की है और वो मेरे जख्मों का मरहम बन सकती है, तो फिर आप देख लें जो आपको ठीक लगे। लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या? मैं उससे एक बार मिलना चाहता हूँ। आप इतना क्या सोच रहे हैं, मैंने कौन सी इतनी बड़ी डिमांड कर दी है? नहीं, वो मुझे वो लोग थोड़े से कंजर्वेटिव लगे, पता नहीं इजाजत देंगे कि नहीं, पूछ लूंगी। तुम अपना हुलिया तो ठीक करो, वो इजाजत दे देंगे तो इस हाल में जाओगे? चेयर अप। ओके, ओके। उम्मीद तो दिलाई, थैंक यू। यू वेलकम।